2013 में भारत रोज एक के बाद एक भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार देश के सामने उजागर हो चुके थे। सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। हमारे सैनिकों को उठाकर ले जाते थे, सर काट देते थे, सर को भी अपमानित करते थे। आंतरिक सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। युवा निराश था, महिलाएं असुरक्षितता महसूस करती थी। हर रोज लाखों लाखों लोगों के प्रोसेशन कहीं अन्ना हजारे के नेतृत्व में, कहीं बाबा रामदेव के नेतृत्व में रोड पर दिखाई पड़ते थे। अर्थतंत्र चहू दिशा से चरमराया गया था। देश में एक ऐसी सरकार चलती थी जिसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। सरकार को नीतिगत लकवा मार गया था, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था, फैसले नहीं लिए जाते थे, स्पष्ट दिशा दर्शन का अभाव था। और ऐसी स्थिति में 2013 में एक भय के अवतार के नीचे भारत की जनता थी कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश कहां जाएगा। मैं आपको पीछे इसलिए ले जाना चाहता हूं कि 2013 की आप फिर से एक बार आंख मूंद कर अनुभव करोगे तो ही 2019 का अनुभव आएगा। 2019 का अनुभव अकेले करने जाएंगे तो बहुत कुछ करने को बाकी है, ये तो मैं भी स्वीकार करता हूं। मगर जब 2013 का हम याद करते हैं, 2013 को अपनी नजर के समक्ष रखते हैं, तो मालूम पड़ेगा 2014 से 2019 में हमने क्या पाया है और क्या सिद्धि प्राप्त करी है।